एक भाई ने, दुकानदार ने नकली बारिश करवा रखी है, ऊपर लगा रखी है 12-13 फुहारे। ये कैसे दिमाग लगाया कि नकली बारिश, आर्टिफिशियल बारिश कर दूंगा मैं। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा आपका तहलका भाई बारिश में है और मौसम सुहाना है और आपको लग रहा होगा बहुत तेज बारिश आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक भाई ने, दुकानदार ने नकली बारिश करवा रखी है अपनी दुकान को चलाने के लिए, अपनी दुकान पे माहौल बनाने के लिए, मौसम बनाने के लिए लोग इकट्ठे हों, ऊपर लगा रखी है 5 टंकियां, ऊपर लगा रखी है 12-13 फुहारे और सामने भाई का स्टॉल है, ये देखो जी, जबरदस्त नकली बारिश, आर्टिफिशियल बारिश और द्वारका सेक्टर 7 में तहलका। ऐसा दिमागदार इंसान हमने आज से पहले नहीं देखा। तहलका बता दिया भाई साहब ने यार, एक नंबर का तहलका, नकली बारिश करवा के। भाई साहब ये कहां पर है जगह आपकी, ये कौन सी जगह है? रामपाल चौक सेक्टर 7। ये कैसे दिमाग लगाया कि नकली बारिश, आर्टिफिशियल बारिश कर दूंगा मैं। चाय बिकेगी ना सर, बारिश होएगी। हाँ देखो भाई का खतरनाक खेल, चाय तभी बिकेगी जब बारिश होगी। तो भाई साहब ने देखो क्या दिमाग लगाया, भारत देश में एक ऐसा दिमागदार इंसान, खतरनाक दिमाग का इंसान, जिसने तहलका मचा दिया नकली बारिश करके, आर्टिफिशियल बारिश करके, 6 घंटे ऊपर से छोड़ता है फुहारा, देखो ऊपर से फुहारा छोड़ रखा है बैंक के ऊपर से, नीचे गिरती है बारिश और भाई बताता है तहलका। भारत देश में एक ऐसा अनोखा इंसान जिसने ये कारनामा कर दिया। ये तो हमने सुना था भाई चाइना के लोग ऐसा करते हैं, ये भारत में इस भाई ने भी ऐसा कर दिया, नकली बारिश के साथ चाय बेचना, इनसे सीखे भाई। तेरे को क्या लग, ठंड लग रही है भाई? भैया पूरी फील आ रही है बारिश वाली, बट मसला ये है पीछे से हमारे वहाँ बारिश थी नहीं, हाँ अभी हाथ ही बारिश है देखो। तो दोस्तों ये देखो दोबारा दिखा दूँ, आपको लग रहा होगा आपका भाई द्वारका में बारिश के अंदर झूम रहा है, मौज काट रहा है, बारिश के मजे ले रहा है, नहीं, ये है नकली बारिश, आर्टिफिशियल बारिश जो कि ये भाई करवाता है। देखो यही हो रही है, उधर नहीं हो रही। हाँ ये देखो यहाँ नहीं हो रही, यहाँ हो रही है, भाई करवाता है नकली बारिश और लोगों को देता है फील ऐसी कि बारिश में चाय पियो। ऊपर लगा रखी है भाई ने 4-5 टंकियां और छोड़ रखा है फुहारा, 5-6 घंटे पानी गिरता रहेगा और लोग मौसम के अंदर तहलका मचाते रहेंगे। लोगों को मजा आता है भाई की बारिश में, हम इंजॉय करने आए हैं, जबकि असली बारिश, नकली बारिश भाई ने करवा रखी है। मजा आ गया भाई, एक नंबर। भाई साहब यहाँ पे क्या क्या मिलता है? मैगी है, सैंडविच है, ऑमलेट है, बर्गर है, पास्ता है, मैक्रोनिक है, मैक्रोनिक चाय अपनी स्पेशल है, कोल्ड कॉफी है। अच्छा जी, रात 2 बजे तक बैठते हो? जी? रात 2 बजे तक, 1 बजे तक, 1 बजे तक और शाम को? सुबह 9 बजे, सुबह 9 से रात को 1। लेकिन ये जो नकली बारिश करवाते हो रात को करवाते हो? रात को। क्या बात है, मजा आ गया भाई। ओए होए, तो दोस्तों भाई ने करवा दी भारत देश के अंदर नकली बारिश, अपने ही इलाके के अंदर, अपने ही पार्ट के अंदर, जहाँ पे इनका धंधा चले, जहाँ पे इनका काम चले और लोग मौज काटे और बारिश का मजा लेकर लोगों को लगे भाई हम आए हैं, हम बैठे हैं मुंबई में या गोवा के अंदर, और उनको ऐसी वाली फीलिंग दे रखी है कि वो दिल्ली में नहीं है। क्यों भाई? हाँ जी, दिल्ली वाली फीलिंग नहीं है, लग ही नहीं रहा। तो भाई को सपोर्ट करो, भाई का दिमाग रोबोट से कम नहीं है, और पता नहीं चाय के अंदर बारिश डालेगा क्या डालेगा भाई। भाई चाय, हेलो, चाय तो पानी वाली नहीं है ना, चाय तो ओरिजिनल है ना? अच्छा शुक्र है यार। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर मारना और ऐसे जो लोग हैं दिमागदार उनको और उनको सपोर्ट करना बड़े लेवल पे। सही है भाई, चाय एक नंबर थी यार। है भाई एक नंबर भैया। ये क्या बारिश तो सब जगह हो रही है यार। है भाई, भैया वो कह रहा आर्टिफिशियल बारिश करवा रहा हूँ मैं, दोबारा चल, एक बार दोबारा चल, मजाक कर रहे हैं, दोबारा चल, दोबारा चल, चलो मेरे को लगा आर्टिफिशियल बारिश करवा रखी है। अरे सोनू भाई, आप तो कह रहे थे नकली बारिश है यार, आपकी दुकान पे मैं आया और अचानक से बारिश हो गई यार, ये तो गलत बात, सच तो बोला करो यार। क्या बोले सर जी, बताइए आप। आपने बोला नकली बारिश है, असली करवाई है, ये बोलो ना यार। ऐसा हुआ ना, दुकान पे आकर रुके हम, हमें बारिश आ गई और इन्होंने मौका मिल गया, इनको मौका मिल गया भाई, नकली बारिश करवा दी हमने, कमाल है यार। वैसे एक बात बोलूं, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे आपके पास, ठीक है ना, 90,000 में बात में लूंगा मैं। दोस्तों ये देखो रात के बज रहे हैं 1:15 और चारों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि भाई का खाना बहुत फेमस है। भाई हमारे से प्रैंक कर रहा था कि नकली बारिश करवाते, हम भी इसकी बातों में आ गए, जब हल्का सा आगे गए तो पता लगा चारों तरफ बारिश आ रही है। तो यार तो भाई एक बार यहाँ पे आना, चाय पीना, चाय एक नंबर। ये देखो ये नहीं, क्या चाय दिखाएगा प्रॉपर। वाह भाई वाह भाई, रात के समय में अगर आप जागते हो, रात के परिंदे हो,
तो यहाँ पे आना मत बोलना, द्वारका सेक्टर 7 रामपाल चौक, सब कुछ मिलेगा, तगड़ा तगड़ा मिलेगा, तहलका वाला मिलेगा। और एक बार तहलका भाई के कहने पे यहाँ की चाय पी के देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ कुल्लड़ चाय, भारत में इकलौता ऐसा भाई जो बहुत तगड़ी हाई लेवल की चाय बनाता है, एक नंबर चाय बनाता है, कुल्लड़ चाय, मज़ा आ गया। चलो ठीक है सोनू भाई, बाय बाय।